हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो देखो, अगर सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो जब आप अपने मोबाइल में रफ़ी सर का वीडियो लेक्चर देख रहे होते हो तो आपका मोबाइल एक्चुअली गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कर रहा होता है। डैट मीन्स आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? तो वो कैसे, तो समझो। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा आपको डायग्राम दिखाया है जिसमें जिंक का मैंने एनोड लिया है और कॉपर का कैथोड लिया है। ओके, एनोड मेरा किसका है? जिंक का, और कैथोड किसका है? कॉपर का। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे डैनियल सेल। क्या बोलेंगे? डैनियल सेल। डैट मीन्स इलेक्ट्रोड अगर आपने फिक्स कर दिया, जिंक का है एनोड और कॉपर का है कैथोड, तो बोलेंगे डैनियल सेल। अगर ये नहीं होता तो क्या बोलते? गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि जितने भी गैल्वेनिक सेल हैं वो डैनियल सेल होंगे, नॉट करेक्ट, बट ऑल डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल होंगे, करेक्ट है। ओके, नाउ समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो कंपार्टमेंट बनाया है, राइट? एक लेफ्ट और एक राइट। ये एल से लेफ्ट हो गया, ये आर से राइट हो गया। तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन एनोड है, कौन कैथोड है? तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक दिया रफी सर ने, लोन वर्ड। क्या करना है? सेल को लोन पे खरीदना है। लोन कहने का क्या मतलब है कि लेफ्ट में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा, और वो जो प्लेट होगी वो निगेटिवली चार्ज होंगी। वेरी सिंपल है, लोन वर्ड याद रखना। एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड और एन फॉर निगेटिव। डैट मीन्स आपका एनोड इस केस में निगेटिवली चार्ज प्लेट है जिसपे ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। और आप कैसे पहचानेंगे कि किसी गैल्वेनिक सेल में कि कौन एनोड है? तो वो लेफ्ट वाला पार्ट होगा तो वो एनोड, तो राइट वाला क्या हो जाएगा? कैथोड। तो यहाँ पे इसलिए मैंने जिंक को एनोड लिखा है क्योंकि ये लेफ्ट में और ये राइट में, तो इसको मैंने कैथोड लिखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जैसे ही आप ये वायर को कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, जिंक आपका Zn+2 में डिजोल्व होकर के किस में आ जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा, राइट? जिंक की प्लेट धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होंगी तो Zn+2 में आएगा। इसलिए ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ये जिंक की रॉड को क्या किया, धीरे धीरे थिन कर दिया, पतला कर दिया, राइट? क्यों? क्योंकि जिंक जो है आपका जिंक रॉड, वो Zn+2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आता जाएगा, राइट? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इधर क्या होगा, जो Cu+2 है आपका सॉल्यूशन में, जो Cu+2 प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कॉपर की प्लेट पे डिपॉजिट होते जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखो, तो मैंने इसको थोड़ा थिक कर दिया है, थोड़ा मोटा कर दिया, राइट? बात समझ में आई? तो हमने इस लेफ्ट साइड में क्या किया, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक रॉड डिप किया, इधर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया और उसमें कॉपर डिप कर दिया है। ये एक मैंने सॉल्ट ब्रिज दिखाया, ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। डेट मीन्स ये ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखो, जब आपका जिंक Zn+2 में आएगा तो इधर क्या होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज होता जाएगा। ये बात तो क्लियर, राइट? क्यों? क्योंकि जिंक Zn+2 में आ रहा है, Zn+2 ऑलरेडी जो सॉल्ट लिया वहां से था, प्लस और जिंक की रॉड से Zn+2 सॉल्यूशन में आ रहा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और इधर में क्या होगा, ध्यान से देखो, Cu+2 सॉल्यूशन से कॉपर पे डिपॉजिट हो रहा है, Cu+2 कम हो रहा है, मतलब सल्फेट आयन निगेटिव चार्ज इधर इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने ऐसा क्यों समझाया, क्योंकि ध्यान से देखो, जब जिंक आपका Zn+2 के फॉर्म में इसमें आ जाएगा, Zn+2 के फॉर्म में, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जाएंगे, राइट? जो दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे और करंट का फ्लो होगा, इसलिए आपका वर्क करेगा, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को वो जाने नहीं देगा, इसलिए ये सेल कुछ देर के बाद वर्क करना बंद कर देता है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ भी गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव इंक्रीज होता जा रहा है, राइट? निगेटिव इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, वो रिपेल हो जाएंगे, तो कुछ देर के बाद ये सेल आपका बंद कर देगा काम करना। इसीलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज ऐड कर देते हैं और इसमें कैटायन और एनायन जेली फॉर्म में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, अब ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इधर की तरफ कौन आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज का निगेटिव वाला पार्ट, तो न्यूट्रलाइज कर देगा, और इधर निगेटिव बढ़ रहा है तो सॉल्ट ब्रिज का कौन वाला पार्ट इधर आएगा, पॉजिटिव वाला, और न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर से आपका सेल वर्क करने लगेगा। तो ये कंसेप्ट है वर्किंग का, राइट? अब हर बार हम सेल को इतना बड़ा या ऐसे करके नहीं दिखा सकते, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, डेट इज पॉइंट नंबर 2।
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को ऑलवेज डबल वर्टिकल लाइन से शो करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को ऑलवेज डबल वर्टिकल लाइन से शो करेगा, और अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है तो वो फेज चेंज को बताता है, किसको बताएगा, फेज चेंज को, जैसे सॉलिड से लिक्विड में हो गया या लिक्विड से गैस जो भी, तो अगर सिंगल वर्टिकल लाइन है तो वो फेज चेंज को बताएगा, डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज है, तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, डबल वर्टिकल लाइन, राइट, डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज क्या होगा, एनोड, डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज क्या होगा, एनोड, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और राइट साइड वाला ऑलवेज होगा कैथोड। इसीलिए जब हमें मान लो कि एक वर्टिकल लाइन ना देकर के कॉमा दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, सेम फेज है, जैसे फॉर एग्जांपल Fe प्लस टू Fe प्लस थ्री, ये दोनों कहाँ पे होंगे, सॉल्यूशन होंगे, एक्वा सॉल्यूशन में, तो दोनों का एक्वस एक्वस सेम फेज है, राइट, तो इसलिए इसको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन होगा तो वो फेज चेंज को बताएगा, डैट मीन्स इधर सॉलिड होगा इधर लिक्विड ऐसा या लिक्विड गैस, फेज का जरूर चेंज होगा, और डबल वर्टिकल लाइन ऑलवेज सॉल्ट ब्रिज को बताएंगे। अब जो मेन क्वेश्चन है कि वो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड ई नॉट ऑफ सेल, यहाँ पे नॉट का मतलब क्या है, कहीं पे भी नॉट का मतलब, नॉट का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है वो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कंसंट्रेशन वी आर टेकिंग वन मोलर, जो भी आपका एक्वा सोल्यूशन में प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन वन मोलर ले रहे हैं, अगर वो गैस है तो उसका प्रेशर वन बार लेना है, टेम्परेचर जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वही ले लेते हैं, अगर नहीं मेंशन है तो हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर पे डैट मीन्स कोई कंडीशन नहीं है स्टैंडर्ड के लिए, बट कंसंट्रेशन पे कंडीशन है वन मोलर होना चाहिए, प्रेशर गैस है तो वन बार होना चाहिए, अगर गैस है तो प्रेशर वन बार होना चाहिए, टेम्परेचर जो क्वेश्चन में मेंशन है वही हो जाएगा, नहीं तो रूम टेम्परेचर लेते हैं। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए मैं 27 डिग्री सेल्सियस भी लूँगा, डैट मीन्स 300 केल्विन ले सकते हैं। तो जब भी आपको E नॉट सेल निकालना होगा स्टैंडर्ड वाला, तो क्या करना है, वी नो कि एनोड पे क्या होता है, ये ए फॉर एनोड है, एनोड पे क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, तो हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन, तो हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ध्यान से देखो, ये वाला बस एक ही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, बुक में बहुत सारे इसके फॉर्मूले बना रहते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस दिस डेट, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, मेरे को जो मालूम है बस मैं वही करूंगा, मेरे को क्या मालूम है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का निकालूंगा, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो मैं कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालूंगा। अगर क्वेश्चन में एनोड पहचान लोगे कैसे, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो वही वैल्यू पुट कर देना है, और अगर मान लो रिडक्शन गिवन है तो सिर्फ क्या कर देना, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, पॉइंट नंबर 5, कभी भी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, डैट मीन्स दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, मान लो ये 5 है तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू में 5 होंगे, लेकिन माइनस लगा रहेगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा, तो इसीलिए हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। अगर वही गिवन है क्वेश्चन में तो एज इट इज पुट कर दो, नहीं गिवन है, वो रिडक्शन गिवन है तो सिर्फ क्या कर दोगे, उसको उस वैल्यू को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन गिवन है रिडक्शन, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे ध्यान से देखो, आयरन प्लस टू से कहाँ जा रहा है, जीरो में, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहे हैं तो रिडक्शन है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, और यहाँ पे नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया ये, राइट। तो अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो जो वैल्यू गिवन वही पुट कर दूंगा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा तो जो वैल्यू गिवन उसमें सिर्फ क्या करोगे, माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर कहीं पे ऐसे गिवन है, ध्यान से देखो, तो यहाँ भी प्लस टू से जीरो में जा रहा है, रिडक्शन ही हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल सिर्फ बोलेंगे, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो सिर्फ इसको रिडक्शन, स्टैंडर्ड नहीं, क्यों, क्योंकि नॉट नहीं लगाया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, कि ये किस कंडीशन में, ये वाला जो कैलकुलेट किया गया वो कंसंट्रेशन वन मोलर रखा गया, और अगर गैस होता तो प्रेशर वन बार, राइट, बट ये इसको छोड़ करके, वन मोलर या वन बार को छोड़ करके किसी भी कंडीशन में, तो इसको बोलेंगे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर इस कंडीशन में तब स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके समझ जाओगे कि आपको क्या गिवन है, इसीलिए मैं थर्ड वाले फॉर्मूले पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ, ये हमें निकालना है। कभी भी आपको सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना हो
तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है इसलिए उसका मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, दोनों को मेरे को जोड़ देना है। बस यही फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में आप देख लो अगर यही गिवन है तो एज इट इज पुट करो, और अगर नहीं गिवन है तो इस वाले कॉन्सेप्ट आप चेंज कर करके पुट करो। नाउ नेक्स्ट, अगर कहीं पे आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछा जाए डेल्टा जी नॉट, तो वो भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपको कैसे निकालना है, माइनस एन एफ ई नॉट से। ए नॉट आपको अब यहाँ बता दिया कैसे निकालना है, एफ फिक्स है राइट 96500, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल है, आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके गिवन होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये सेल रिप्रेजेंट करके गिवन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो जिंक जीरो में, इधर में प्लस टू में राइट, इधर कॉपर प्लस टू में और कॉपर जीरो में, तो यहाँ पे बाय द वे दोनों का सेम चेंजेज हो रहा है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू। और अगर मान लो कि सेम चेंज नहीं होता, मान लो कि यहाँ पे जस्ट सपोज कि यहाँ पे कुछ एक्स है और यहाँ पे कुछ वाई है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एन की वैल्यू क्या हो जाती है एक्स इंटू वाई, डायरेक्ट आप क्या कर देते इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ध्यान दे इस पॉइंट पर, ध्यान दे कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एनोड पे और कैथोड पे सेम है तो एन की वैल्यू वही हो जाएगी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आइदर साइड, बट अगर एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, जैसे यहाँ एक्स और यहाँ वाई है, तो एन की वैल्यू जो आप पुट करोगे यहाँ पे एन, तो वो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई। ओके ध्यान रहे, जब अलग अलग होगा तभी मल्टीप्लाई करना है, सेम होगा मान लो कि इधर भी जेड है सपोज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर भी जेड है, तो जेड इंटू जेड मत कर देना, सिर्फ एक जेड लिखना है, बट अगर डिफरेंट है तो एक्स इंटू वाई होगा एन की वैल्यू। नाउ ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल के रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या बताया सॉल्ट ब्रिज, ये क्या हो गया वर्टिकल लाइन से सॉल्ट ब्रिज। एक बार आपने सॉल्ट ब्रिज आइडेंटिफाई कर लिया डबल वर्टिकल लाइन, तो इधर वाला पूरा का पूरा क्या है एनोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और उधर का पूरा कैथोड के बारे में। तो एनोड पे क्या होता है ऑलवेज ऑक्सीडेशन, तो ध्यान से देखो जिंक जीरो से कहाँ जा रहा है प्लस टू में ऑक्सीडेशन, तो इस टाइप से दे दिया। ये सिंगल लाइन क्यों आई, क्योंकि जिंक आपका सॉलिड था मेटल सॉलिड था और Zn प्लस टू एक्वस में जा रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड है गैस फेज चेंज हो गया इसलिए एक वर्टिकल लाइन राइट। तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करके देगा, ध्यान से देखो जिंक Zn प्लस टू एक्वस तो ये हो गया, और वैसे ही कॉपर प्लस टू जो वाटर में था वो आपका कॉपर पे चिपक रहा है राइट, तो कॉपर प्लस टू एक्वस चूंकि फेज चेंज हो रहे हैं तो एक वर्टिकल लाइन दिया, और ये तो एक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक और इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि Zn से Zn प्लस टू और यहाँ पे ब्रैकेट में सम कंसंट्रेशन मेंशन कर देगा, जैसे यहाँ पे 0.5 मोलर, तो ये कंसंट्रेशन किसका है Zn प्लस टू का जो सॉल्यूशन में राइट, और इधर भी कॉपर प्लस टू का कंसंट्रेशन मेंशन कर दिया है और ऐसे करके दे सकता है, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से भी ध्यान दे, इस पॉइंट से भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि यहाँ पे अगर मैं गलती से कंसंट्रेशन 1 मोलर और यहाँ पे भी 1 मोलर कर देता तो ये क्या हो जाता स्टैंडर्ड हो जाता, फिर ये क्या हो जाता स्टैंडर्ड हो जाता। तो कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, तो इसलिए आपका आँख और दिमाग दोनों खुला होना चाहिए कि वो कंसंट्रेशन क्या मेंशन किया है। अगर दोनों 1-1 मोलर होते तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है, और अगर कोई भी एक डिफरेंट हो गया 1 से कोई अदर वैल्यू हो गई तो वो फिर नॉन स्टैंडर्ड है। बात समझ में आ गई। एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी है, इसी सेल को देखो बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन सब में बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। डबल वर्टिकल लाइन को आपको बस आइडेंटिफाई करना है, इधर एनोड है उधर कैथोड है, यहाँ पे कैसे दे सकता है Zn से Zn SO4 पूरा लिख करके भी दे सकता है राइट, और सम ऑफ द कंसंट्रेशन उसका मेंशन कर सकता है C1 मोलर में, और कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन दे सकता है C2 मोलर और इधर कॉपर, तो ये भी एक है। तो एक्चुअली में आपको कैसे पहचानना है, तो हमें देखना है कि क्या हो रहा है, जिंक जीरो में था इधर प्लस टू में, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है इधर कॉपर प्लस टू में और कॉपर जीरो में, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है दैट्स मीन। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी करेगा कि कॉपर से कॉपर सल्फेट दे देगा, इसको उल्टा करके दे देगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कॉपर कॉपर प्लस टू में जा रहा है, क्यों, क्योंकि भगवान ने इसको वरदान में दे रखा है, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इधर आपका क्या है कैथोड ही है और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि वो इसको पलट करके दे दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि चीज़ें फिक्स हैं, वर्टिकल लाइन के
डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज एंड ऑलवेज एनोड होगा और उस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके दे सकता है। जैसे एक और मैंने लिया है, कभी कभी ऐसे भी रिप्रेजेंट करके देता है और बच्चे पूरा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है बेटा, रफी सर साथ में, ध्यान से देखो। अगेन वही पॉइंट, एक ही पॉइंट को ध्यान में रखो। ये डबल वर्टिकल लाइन हो गया, तो ये मेरा सॉल्ट ब्रिज हो गया। इधर वाला एनोड है, उधर वाला कैथोड है, राइट? लेफ्ट में एनोड होते हैं, राइट में कैथोड होते हैं, वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कैसे पहचानेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन? वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। यहाँ पे एच किस में है? प्लस वन में। इधर क्या है? जीरो। तो मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, डेट्स इट। बाकी क्या क्या लिख के दे दिया उससे हमें नहीं लेना है कुछ। यहाँ पे सी एल माइनस, यहाँ पे पी टी ए, बच्चे सोचने लगते हैं अरे जो है रहने दो, उससे क्या लेना है हमें? कुछ नहीं लेना है, वो बाद में हम समझ लेंगे, राइट? उसका कोई यूज नहीं है। बाय द वे, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कहाँ पे होगी? प्लेटिनम पे, इसलिए प्लेटिनम दिया है। या फिर आप वायर किस में कनेक्ट करोगे? हाइड्रोजन गैस में कनेक्ट करोगे क्या? नहीं ना, तो प्लेटिनम की रॉड में कनेक्ट करेंगे, इसलिए वो दिया है। तो एक्चुअली में आपको देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, वो एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस जीरो में जा रहा, मतलब मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे AgCl से Ag, तो घबराना नहीं है। Ag यहाँ पे प्लस वन में, जीरो में, मतलब Ag का मुझे लिखना पड़ेगा। Cl का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, आपको होना चाहिए। तो आई होप ये आपको पूरा फंडा समझ में आया होगा। ये मेरे ट्रिक के 5 पॉइंट है, वेरी सिंपल। तो चलिए हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक रिएक्शन आपको गिवन है और इस रिएक्शन को कौन सा सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका जीरो में है और यहाँ पे प्लस वन में आया वो, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Ag आपका प्लस वन में और यहाँ पे जीरो में आया, तो Ag का क्या हो गया? रिडक्शन। तो यू नो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था लोन वर्ड कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और एनोड होता है, तो यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज पहचान लोगे, राइट? आपको बता रखा हूँ। तो इसका मतलब सारे लेफ्ट वाले क्या हैं? एनोड। और इधर वाले क्या हैं? कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, हेच प्लस में। तो हाइड्रोजन यहाँ जीरो से हेच प्लस में जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया। यहाँ हाइड्रोजन जीरो से प्लस वन में जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जीरो से प्लस वन दिखाया नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नाउ राइट साइड में कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है? AgCl सॉलिड जा रहा है Ag सॉलिड में, राइट? तो AgCl सॉलिड, Ag सॉलिड में यहाँ है वो, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है आपका AgNO3 सॉल्यूशन है, नाइट्रेट तो कहीं पे है ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन ए इज पॉसिबल। तो इसलिए मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं एक क्वेश्चन को लेकर के उसमें जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 100 प्रॉब्लम तो करा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं 3-4 प्रॉब्लम लूँगा और उसमें सारे कंसेप्ट को डिस्कस करूँगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कि आपको एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन का डेल्टा जी गिवन है एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो उस रिएक्शन का ईएमएफ बताना है, ई सेल बताना है। तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगेन कैसे करना है, तो आपको एक रिलेशन बता रखा हूँ कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस में एन एफ ई, राइट? तो आपको डेल्टा जी गिवन है, एन इस रिएक्शन के थ्रू पता करना होगा, एफ की वैल्यू आपको मालूम है 96500 और ई निकालना है, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन का यही होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया गया है। तो डेल्टा जी आपका 940 किलो जूल है, राइट? किलो जूल है, तो आप चाहो तो उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। एन वैल्यू निकालना, रिएक्शन के केस में एन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे एल्युमिनियम आपका प्लस 3 में और यहाँ पे कहा जा रहा है जीरो में, चेंज कितने का हो गया? ध्यान से देखो, चेंज हो गया 3 का। और कितने एल्युमिनियम चेंज हुए हैं, तो ध्यान से देखो, 2 to the 4, 4 by 3, तो 4 by 3 एल्युमिनियम, तो 3 से 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है? 4 का। ऐसे भी आप चेक कर सकते थे, यहाँ ऑक्सीजन कितना में? -2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना में आ गया? 0 में। तो यू नो, एक ऑक्सीजन को -2 से 0 आने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन, कैसे भी आप निकाल सकते हो एनी हाउ। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 4, 9, 6, 5, 0 और ये ई आपको निकालना था, तो यहाँ से ई आ जाएगा। आप ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हो, आप ये कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स में 2.5 वोल्ट, तो आंसर विल बी डी। तो देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, राइट? लेकिन मैं अब क्या कहना चाहूँगा, ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या किया जा सकता था।
जैसे यहाँ पे डेल्टा जी दिया है, और क्या कर सकता है वो कि इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच दे दे, राइट इस रिएक्शन का क्या करेगा डेल्टा एच दे देगा। तो यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो आपको डेल्टा एच दे देगा। इस रिएक्शन का अगर मैं ई सेल दे देता तो इसका मतलब डेल्टा जी दे दिया आपको, तो फाइनली इनडायरेक्ट वे में ई सेल दे करके डेल्टा जी दे देता, और आपको टेम्परेचर गिवन था तो डेल्टा एस पूछा जा सकता था। तो जस्ट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया जा सकता है, रीजन क्योंकि डेल्टा जी और ई सेल रिलेटेड हैं, तो आपको घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको सेल रिप्रेजेंट करके दिया है और उसका ई नॉट सेल गिवन है डेल्टा जी नॉट किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस में एन एफ ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट आपको गिवन है, एफ की वैल्यू मालूम है 96500, ओनली थिंग इज कि एन निकालना है। तो जब सेल रिप्रेजेंट करके दे तो एन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने सिंपल सा ट्रिक दिया था कि दोनों साइड आप देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर प्लस वन है इधर प्लस वन है। तो आपको बताया था कि अगर दोनों साइड सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड अगर सेम चार्जेज हो तो एन की वैल्यू वही हो जाएगा, कोई एक चार्ज को लिख देंगे वन। जैसे मान लो सपोज करो इधर प्लस टू होता, इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होता, तो एन की वैल्यू क्या हो जाता, सिर्फ टू। बट अगर मान लो कि इधर प्लस टू है और इधर प्लस थ्री, ऐसा कुछ होता डिफरेंट होता, तो एन की वैल्यू क्या होता, टू इंटू थ्री, दैट मीन्स सिक्स। तो आपको बताया था कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड में अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर वही n की वैल्यू हो जाएगा, और डिफरेंट है तो दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना, राइट। तो यहाँ पे 1 1 है तो n की वैल्यू हो गया 1, f 96500, e नॉट ध्यान से देखो ये इतना बड़ा वैल्यू मैं नहीं लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं 0.5 डेट मीन्स 1/2 ले रहा हूँ। वी नो ऑलरेडी कि हम छोटी वैल्यू ले रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा बड़ा वाला टिक करना है, राइट। और ये तो जूल में आया, किलो जूल में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड, तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये 10 से ये 96.5, 2 से करेंगे तो ये कितना आ रहा है 48.25 इसके आसपास। तो यू नो ये जो मेरे को वैल्यू आया है ये थोड़ा छोटा वैल्यू लिए हैं, और जबकि वैल्यू थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा कौन है ध्यान से देख लो, 48 के आसपास में 51। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, क्यों, क्योंकि आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलने वाला है, वो जस्ट आपके अप्रोच को चेक करना चाह रहा है, इसीलिए आपको कैलकुलेशन से बचना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कि आपको एक सेल रिप्रेजेंट करके दे दिया है और ई नॉट ऑफ दिस एंड दिस ये आपको गिवन है, जेड एन प्लस टू से जेड एन का 4 वोल्ट है, ए जी से ए जी प्लस का माइनस में 2 वोल्ट है, तो ई नॉट सेल बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन देखो कैसे सिंपल ट्रिक से करना है। मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड वाला ऑलवेज एनोड होता है और राइट वाला कैथोड होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए ई नॉट सेल का मेरा फार्मूला क्या था, ध्यान से देखो ई नॉट सेल का फार्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू मैंने बोला था ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड का, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन कहाँ पे होता है कैथोड का, मुझे बस यही मालूम है, राइट। तो अब आपने पहचान लिया ये एनोड है, तो एनोड का आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन में चेक करो क्या गिवन है, 2 से ये कहाँ जा रहा है 0 में, तो ये आपको क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो हमें क्या चाहिए ऑक्सीडेशन, तो क्या करना पड़ेगा, इसको वैल्यू वही रहेगी सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 4 वोल्ट, प्लस साइन प्लस, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें कैथोड पे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो, 0 से 1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें क्या चाहिए रिडक्शन, तो रिडक्शन चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और फिर से माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2 वोल्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस में 2 वोल्ट।